तो अभी तक का हमारा जो कुल खर्चा हुआ है वो है जीरो, बस पेट्रोल डला रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरीके समय हमें मिलती रहे। आकर के मगरमच्छ वगैरह देख सकते हो, मुझे दिख तो गया एक, मैंने जूम करके दिखाया भी था, बच्चा है छोटा सा ही। मैंने कहा था इसमें डबल को लेकर एक मगरमच्छ दिख रहा है थोड़ा सा, ये रहा नजदीक देखिए इधर, ये जो हां वो ये बैठा तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हो चुका है दिन चौथा और कल रात हम पहुंच गए थे माउंट आबू रात को 8:30 बजे करीब। और रही बात इस रूम के रेंट वगैरह की, तो इसका थोड़ा सा सीन थोड़ा ऐसा है कि ये हमारे व्यवहार में चल रहा है, जितने भी आपने रूम वगैरह या जितने भी मैं दिखा रहा हूँ आपको डे बाय डे, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्ड है, खाना पीना और रहना तीनों। तो अभी तक का हमारा जो कुल खर्चा हुआ है वो है जीरो, बस पेट्रोल डला रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरीके समय हमें मिलती रहे, ठीक है। तो ये कुछ था आज का, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से कि काफी ज्यादा लेट हो गए। कल रात के लिए मैं खुद पर्सनली मेरे प्रिय मित्र राम कुमार यादव का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस पीक सीजन में माउंट आबू के जैसे सनसेट पॉइंट वाले इलाके में हमारे लिए इतनी अच्छे रूम की व्यवस्था की। बाकी हम अब सीधे वे टू निकलेंगे जैसलमेर, जहाँ हमारे दोस्त वापस हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ है, वाह क्या धूप निकली हुई, बहुत सुंदर, मजा आ गया। कल मेरा मुंह टूटा था इस सीढ़ी पे, इतनी जोर से जाके पड़ा था मैं, हालत खराब हुई थी, हाथ पैर सब टूट गए थे मेरे। ये मेरे पीछे रुद्र विला, इसमें हम रुके थे कल, और सामने कमला नेहरू उद्यान, इसमें नहीं जाने वाला उद्यान में। और ये अगर आपको आना है तो ये सनसेट पॉइंट, हाँ सनसेट पॉइंट वो लिखा हुआ है वहाँ पे, उसके जस्ट साइड वाला जो ये है रुद्र विला, इसके अंदर हमने अपना स्टे किया था आज। और अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़े से कुछ यहाँ के व्यू पॉइंट वगैरह देखेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारे अस्त्र शस्त्र सजाए जा रहे हैं जो गीले, अरे गीले सूखे के ऊपर मत डालो रे, ये तो सूखी होगी। तैयारी निकल के बग गया कल कल में, ये खा गई थी व्हील कैप। तो ये कुछ है आबू का मेन मार्केट, मेन मार्केट तो खैर बाहर की साइड है, ये कुछ गार्डन टाइप है बीच में, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, जो कुछ खाना वाना है तो वो कुछ भी मिलता है यहाँ पे, फोटोग्राफी करनी है तो वो भी कुछ कई सारे लोग पकड़ लेंगे आबू चलते फिरते, वो कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे अगर फोटो किसी के पास में कैमरा वगैरह नहीं है तो वो सारे व्यवस्था है यहाँ पे। और अब बस यहाँ से निकल कर हम निकलेंगे अब जैसलमेर के लिए, क्योंकि जैसलमेर का जो रोड है वो ऑलमोस्ट हमें 400-500 किलोमीटर मिलने वाला है, तो आज का जो रन है काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारे लिए। ये कुछ वोटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, ये देखो बस मेनली वोटिंग और आइसक्रीम ही खाते हैं यहाँ पे लोग, जितना मैंने देखा है अब तक वो सब। और अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ का मार्केट, यहाँ पे एंटीक शॉप है एक जोरदार वो वाली कोने की। ये कुछ था माउंट आबू का मेन मार्केट वगैरह, छोटी मोटी शॉप वगैरह दिखा दी। एंटीक जो शॉप थी वो एक मैंने बहुत पहले देखी थी, वो मैंने अभी आपको दिखाई थी इस व्लॉग में। तो अभी हम आए ट्रेवल टैंक का इतिहास, ट्रेवर्स टैंक, पता नहीं क्या चीज है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रेवर्स कर्नल, पता नहीं क्या आइटम है। आबू व्यू पॉइंट, वैली व्यू पॉइंट, दो को व्यू पॉइंट, कुछ खास तो है नहीं है, तो क्या है, एक वो एक व्यू पॉइंट बता रखा ऊपर, और फिर मगरमच्छ वगैरह बोल रहे हैं, पता नहीं ये भी की नहीं है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं कोई मतलब का नहीं है, टाइम बर्बाद है। एक मगरमच्छ दिख रहा है थोड़ा सा, ये रहा नजदीक देखिए इधर, ये जो हाँ वो ये बैठा जो है उसका कोने पे, निमट लेंगे उनसे। तो
ट्रैक बने हुए छोटे छोटे, आप आ करके मगरमच्छ वगैरह देख सकते हो। मुझे दिख तो गया एक, मैंने जूम करके दिखाया भी था, बच्चा है छोटा सा ही, मैंने कहा था इसमें डबल वाले चल बहुत बड़ा है। अरे भाई कैसे चढ़वाएंगे, कहाँ चढ़वा रहे हैं, चलो चढ़ते बुड़क नहीं जाऊं मैं, आराम मर रहे ये। चलो इतनी आवाज में तो भाग जाएगा वो, भाग गया क्या हो गया, एक और मिल गया, एक ही बैठा, एक ही रहा शांति, एक ही रहा दो मगरमच्छ। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर किसी को शौक है मगरमच्छ देखने के तो 400-500 रुपए खर्च करके एक आध मगरमच्छ देखने आ जाओ, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं आने का, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। चलो ये चलो